मायरा तुम मुझे गलत मैं आज तक तुम्हारे बारे में जो सोचती थी वो गलत था, क्योंकि आज तक मुझे सिर्फ ये लगता था कि तुम एक निहायत ही गिरे हुए और घटिया इंसान, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं, कि किसी इंसान में थोड़ी बहुत इंसानियत तो जरूर होती है। जितनी घिनौनी हरकत तुमने की है ना, जानवरों से भी कहीं गुजरे हो तुम, समझे? मायरा, तुम्हें देख के कंबख्त दिल नफरत में भी ऐसे धड़कता है कि नफरत करना मुश्किल हो जाता है। समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे साथ करूं तो क्या करूं। अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, अरे खान बेगम के साथ तो अरमान ने बहुत बुरा किया। अरे जब तुम चद्दर तान कर बेहोश पड़ी थी ना, अरमान ने तो उनको घर से निकाल दिया। इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। हाँ हाँ, तुम्हें पता है उनका कोई पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ चली गई। आप लोग फिक्र ना करें, मुझे होश आ गया है ना, खान बेगम को मैं दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ निकालूंगी। और अरमान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरमान को शायद ये नहीं पता कि औरत को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरे बेटे ने मुझसे नजरें फेर ली, लेकिन मैं अपनी किस्मत से नजरें नहीं फेर सकती। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तुमने ये क्या किया? ये तो डैड का फेवरेट गिफ्ट था। वो बहुत गुस्सा होंगे। मैं अभी उन्हें बताता हूँ। सुनो। तुम अपने डैड को कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने अपने डैड को कुछ भी बताया, तो मैं उन्हें हवा में गायब कर दूंगी। तुम्हारी मम्मी चली गई है, तुम्हारे डैड भी ना गायब हो जाएंगे, समझे? डैड, क्यों लिटिल मॉन्स्टर, दोस्त को परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं डैड, मैं तो इनके साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। ये मेरे दोस्त है ना। गुड बॉय, चलो अपने रूम में जाओ। आपने तो इस छोटे से बच्चे का भी दिल जीत लिया। बहुत अकेला था ये, और इसकी खुशियां उतनी अकेली। लेकिन अब लगता है कि इस शैतान को इसकी शैतानी के लिए पार्टनर मिल गई है। और इस शैतान बच्चे की वजह से मेरी खुशियां अधूरी हैं। इस बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तो फिर से बेहोश हो गई।
चुप रही साला, अगर ये बेहोश हो गई होती तो हमें आवाज कैसे लगाती? हाँ? इस कमरे में आग कैसे लगी थी? आग? अरमान ने तुम्हें आग से शाहरुख खान की तरह बचाया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अरमान ने मुझे आग से बचाया? हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। अल्लाह, मेरा तो मन कर रहा था मैं भी उसी आग में कूद जाऊं, और अरमान आए और मुझे अपनी बाहों में उठाए और उस आग से बाहर ले जाए। अल्लाह, इट्स सो हॉट। चुप कर लतीफा। माहिरा, तुम एक काम करो, तुम गेस्ट रूम में जाके आराम करो। हाँ, हम तुम्हारा सामान लेकर वहीं आते हैं। किसी की नफरत यूं ही हमदर्दी में नहीं बदल सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? अरमान का बस चले तो मुझे परेशान करने का वो एक भी मौका नहीं छोड़े। उसके सीने में तो मेरे लिए सिर्फ नफरत है, फिर उसके दिल में मेरे लिए ऐसे हमदर्दी कैसे आ सकती है? आजाद के दिल की वजह से कहीं आजाद का दिल अरमान को बदल तो नहीं रहा? नहीं, सिर्फ सोने को छू लेने से कोई सोना नहीं बन जाता। आजाद का दिल भी अरमान जैसे बदतमीज को अच्छा नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो सुधर गया होता तो मुझे ऐसे किसने करता? कोई तो बात है, अरमान कोई डेंजरस गेम खेल रहा है। ये गेम वो क्यों खेल रहा है मुझे पता करना ही होगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, और तुम्हारी ये नफरत ठीक भी है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम मुझसे जितनी भी नफरत करो कमी है। कोई भी जख्म एक दिन में भर नहीं जाता, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मेरा ट्रस्ट में नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारी नजरों में मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूं, लेकिन यही बुरा इंसान तुम्हें मरते हुए देख नहीं पा रहा था। तुम्हें दर्द होता है तो पता नहीं क्यों मुझे भी दर्द होता है, और मैं नहीं जानता हूं ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मेरा दिल तुम्हें बचाने पे मजबूर हो गया। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया, आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने दिमाग की नहीं अपने दिल की सुनी। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे माफ कर दो, लेकिन माफ करने की कोशिश तो कर सकती हो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आज अगर आपका दिल धड़क रहा है तो सिर्फ मेरे आजाद की वजह से। कहीं ना कहीं आप उनकी मौत के जिम्मेदार हैं, और आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती।
नफरत प्यार की पहली सीढ़ी होती है मायरा। जिस तरह मेरा दिल मुझे तुम तक खींच लाया, तुम भी इस दिल के हाथों एक दिन मजबूर होके मेरे पास खींची चली आओगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारे डैड इस घर में खुशी खुशी रहे, तो बिल्कुल वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ। ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं ना, तुम कौन सा गेम खेलेंगे? बताती हूँ, तुम यहीं बैठे रहो, गन के साथ खेल, मैं बस यूं गई और यूं आई। आज तो मैं इस चूजे को बांध के रखूंगी। ये कौन है और ये तुम्हें क्यों फोन कर रहे हैं? ये अरमान अंकल है, डैड के बेस्ट फ्रेंड और उनके बिजनेस पार्टनर भी। मैं भी डैड को फोन देके आता हूँ। क्या बात है, मैं गलती से बिल्कुल सही जगह पहुंची हूँ। एहसान अरमान का अच्छा दोस्त है, फिर तो अब मुझे भी एहसान से अच्छी वाली दोस्ती करनी। समीर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो रिश्ता हमने कायम किया है वो दुनिया की नजरों में गुनाह है। मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमने कुछ गलत किया है? कायनात, मैंने प्यार को कभी नहीं समझा था, लेकिन तुम्हारी एक झलक से मुझे यकीन हो गया है कि प्यार पहली नजर में भी होता है। तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है, मैं तुम्हारी जिंदगी के हर एक पल को अपने प्यार से भर देना चाहता हूँ। कायनात, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? पहले पंखुड़ियां, फिर सॉरी, फिर ये फूल। क्या मैं
बेवकूफ लगती हूँ शक्ल से अरमान को। ये उस वक्त कहाँ थी हमदर्दी जब मेरे ऊपर बुलडोजर चलाया था। ओ, तो जब बुलडोजर से मेरे इरादे नहीं तोड़ पाया तो आप मिस्टर अरमान अपने इमोशंस का पिटारा लेकर आए। प्लीज, ऐसे शातिर इंसान के पिटारे में से सिर्फ चालें निकल सकती हैं। मैं जानती हूं कि इस हमदर्दी के नाटक की वजह क्या है। भेड़िया अगर मेमने की खाल पहन के ये सोचे कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा तो इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ये है ना आपकी हमदर्दी की वजह। क्योंकि मैं भी सोचूं कि मुझसे इतनी नफरत करने वाले शख्स को अचानक मेरे लिए इतनी हमदर्दी क्यों हो रही। इन पेपर्स पे साइन चाहते हैं ना, इसीलिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। पहले मुझे आपसे नफरत थी लेकिन अब मुझे आप पे घृणा। आपको खुद को हैरानी नहीं होती कि आप इतनी गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकते हैं? पहले आपने मुझे घर से निकालने की कोशिश की, आप वो नहीं कर पाए तो आपने मुझे बुलडोजर के नीचे मारने की कोशिश की, जब आप वो भी नहीं कर पाए आपने नया नाटक शुरू किया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि आपके सीने में मेरे आजाद का दिल है इसलिए आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स पैदा हो रही है? लाइक रियली? तुम्हें लगता है कि मैं इतना घटिया इंसान हूं कि इन पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर्स के लिए इतना गिर जाऊंगा कि तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलूंगा? मैं नहीं जानता था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली लड़की की सोच एक्चुअली इतनी छोटी है। प्लीज, किसी के लिए सोच उसकी हरकतों से बनती है, उसकी नेचर से बनती है। आपने अपनी हरकतें देखी? और आपको क्या लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान है और मैं आपको गलत समझ रही हूं? नहीं, क्योंकि अच्छा इंसान वो होता है जो अपने दिल की बात कहने की हिम्मत रखे, चाहे वो मोहब्बत की बात हो चाहे वो नफरत की बात हो। और अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप एक बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हैं, तो प्लीज मुझे बताइए आपके दिल में क्या है। See, I knew that. यही चाहिए था आपको, यही करवाना था, तो इतना सब ड्रामा क्या कर रहे थे आप? और वैसे भी आपकी घिनौनी हरकतें बर्दाश्त करने से अच्छा तो यही है कि मैं इन पेपर्स पे साइन करूं। माना कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं लेकिन इतना भी कमजोर नहीं हूं कि मुझे अपना जमीर खोना पड़े। तुम्हारी नफरत के सहारे जी लूंगा मैं, लेकिन ये झूठा इल्जाम कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है, अगर इन पेपर्स पे मुझे तुम्हारे सिग्नेचर ही चाहिए थे तो उसके और तरीके नहीं है? अगर मैं तुम पे कानूनी कार्रवाई करूं तो उसके बावजूद भी घर तुम्हारा रहेगा? नहीं मायरा, ये तुम भी जानती हो कि घर मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। मैं तुम सबको इस घर से बाहर निकाल सकता हूं लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही करना चाहता हूं। अगर मैं कुछ चाहता हूं तो वो है सिर्फ माफी उन सारी बातों के लिए जिनकी वजह से मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है।
क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ? मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ। तुम्हारा जो भी फैसला मुझे कबूल है। अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो वो है सिर्फ माफी उन सारी बातों के लिए जिनकी वजह से मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ। तुम्हारा जो भी फैसला मुझे कबूल है।